सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस। तो सबसीक्वेंस होती क्या है, पहले मैं यहां पर बताता हूं। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस। तो ए एन के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जान ही चुके हैं कि ए एन क्या होती है। ए एन मेरे पास कोई रियल सीक्वेंस है, बेसिकली रियल ए एन होती क्या है, फंक्शन होता है। लाइक सीक्वेंस क्या होती है, फंक्शन होता है एन टू एन टू ए। मैंने आपको क्या बताया था, ए एन इज जस्ट फंक्शन सच दैट एन टू ए, जो एन टू ए डिफाइन होता है। अच्छा ठीक है, लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस एन के, यहां पर एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एन के सच दैट एन टू एन, यहां पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं लाइक एन के, एन के एज अ फंक्शन सच दैट एन टू एन, एन टू एन जो कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। और एन के क्या होगा, एन के इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बेसिकली एन के है क्या, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और सीक्वेंस अपने आप में ही एक फंक्शन होता है, सीक्वेंस अपने आप में ही एक फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, यहां पर मैंने कुछ नहीं बताया, यहां मैंने ये बताया कि लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस, ए एन मेरे पास कोई रियल सीक्वेंस है, और एन के मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहां पर सच दैट एन टू एन, एन के इज मोर लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एन के क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन देन ए एन के, ए एन के इज कॉल्ड, ए एन के इज कॉल्ड सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस ऑफ ए एन। यहां पर मैंने क्या बताया आपको, यहां पर मैंने ये बताया है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, पहले मैंने एक एक सीक्वेंस बताई, लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस, एन मेरे पास कोई रियल सीक्वेंस होगी, एन के सच दैट एन के, ये देखिए यहां जो यूज हुआ है मेरे पास, एन के सच दैट एन टू एन, एन टू एन बी अ फंक्शन लाइक एन के क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी मेरे पास। देन ए एन के इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो ए एन के इसकी जगह देखिए, यहां पर एन की जगह आ गया एन के, अगर ये मेरे पास ए एन के होती है तो हम लोग बोलते हैं कि कॉल्ड क्या होगा, ये सब सीक्वेंस होगी एन की। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे हम कि मैंने यहां पर लिखा गया है, यहां पर मैंने बताया गया है आपको, हम एग्जाम्पल से बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं यहां पर, ए एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, यहां पर मैंने ए एन सीक्वेंस लिया माइनस वन टू द पावर एन लिया। अब आप यहां पर देखेंगे कि अगर मुझे इसकी सबसीक्वेंस देखनी है, सबसीक्वेंस देखनी है, तो ए एन के, एन के मुझे ऐसा डिफाइन करना होगा जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो। मतलब क्या है, एन के क्या क्या डिफाइन कर सकते हो आप, सबसीक्वेंस कैसी बना सकते हो आप, एन के को क्या कर सकते हो, देखिए एन के को आप 2n ले सकते हो, एन के को आप 3n ले सकते हो। मतलब होना क्या चाहिए कि आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन होना चाहिए। आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो मेरे पास क्या आएगी, 2 आएगी, नेचुरल नंबर ही आ रही है। 2 रखोगे यहां पर, 2 रखोगे तो 4 आएगी, 3 रखोगे तो 6 आएगी, मतलब कुछ भी रखोगे यहां नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी रखोगे आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। तो एन के आप ये सब ऐसे टाइप के रख सकते हैं, 2n, 3n, 3 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2n plus 1, 3n plus 1, तो आप ऐसे टाइप के n के ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आप लग सकते हो जैसे कि a 2n कर सकते हो आप, a 2n कर सकते हो आप, तो यहां पर a 2n मेरे पास क्या आएगा, a 2n minus 1 की पावर n की जगह मैं 2n रख दूंगा, minus 1 की पावर 2n, तो ये मेरे पास a 2n क्या हो गए, सब सीक्वेंस हो गए। तो भाई 2n के मैंने बोला है a n k, जो मेरे पास a n k होगा वो सब सीक्वेंस होगा a n का, तो भाई a n k ही तो है ये a 2n। अब देखिए n k की जगह मैं 2n plus 1 ले लूं, 3 to the power n ले लूं, a 3 to the power n की अगर मैं बात करूंगा तो n की जगह मुझे 3 की पावर n रखना है, तो माइनस 1 की पावर 3 की पावर n, माइनस 1 टू द पावर 3 टू द पावर n, तो ये भी एक सब सीक्वेंस हो गई, ये भी एक सब सीक्वेंस हो गई। इसी तरह 2n plus 1 अगर मैं रखूंगा, a 2n plus 1 इसको सो माइनस 1 टू द पावर n की जगह मुझे क्या रखना है, n की जगह देखिए मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मैंने बोला ना n की जगह जब आप n के रखते हो तो वो सब सीक्वेंस हो जाती है उसकी, तो n की जगह मैं क्या रखना हो, 2n plus 1, तो यहां n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2n plus 1, तो ये भी एक सब सीक्वेंस हो गई। तो कोई भी सीक्वेंस आप यहां पर चूज कर लें, 1 by n चूज कर लें, उसकी मुझे सब सीक्वेंस बनानी हो तो इसी तरह आप n के चूज कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग सब सीक्वेंस। तो ये सब सारी क्या है, इसकी इसकी सब सीक्वेंसेस हैं। तो अब आपको सबसे सब सीक्वेंस समझ में आया होगा फ्रेंड कि यहां पर मैंने क्या बताया आपको। तो देखिए जो मैं डेफिनेशन लिखता हूं उसी से ही सब कुछ करता हूं, जो मैं डेफिनेशन लिखता हूं उसी से सब कुछ समझाता हूं कि ऐसे ऐसे ये वर्क हो रहा है। अच्छा अब आप यहां पर देखेंगे कि सब सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं हां तो एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, उससे एक अच्छी चीज समझाना चाहता हूं आपको। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं अब, क्वेश्चन है मेरे पास, लेट
ए एन बी रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस मेरे पास कोई एक ए एन रियल सीक्वेंस है, ओके ए इज इक्वल्स टू एक सेट है मेरे पास बी एन सच दैट, एक सेट है मेरे पास बी एन सच दैट, बी एन क्या है, बी एन इज सब सीक्वेंस ऑफ, सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां एक सेट लिया है सब सीक्वेंस का, सब सीक्वेंस जितनी भी ए एन की सब सीक्वेंस बन रही थी, जितनी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस बन रही थी उन सब का मैंने क्या कर लिया, यहां पर सेट ले लिया है। अच्छा आपने देखा अभी, पहले देखा आपने जब जो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि माइनस वन की पावर एन लिया था मैंने, वहां पर सब सीक्वेंस कैसे बने थे, ए टू एन बन रही थी, ए थ्री एन बन रही थी, ए माइनस लाइक ए थ्री टू द पावर एन, ए टू टू द पावर एन, मतलब एन से एन जो भी डिफाइन होगा वो मेरे पास सब सीक्वेंस आ जाएगी। तो वही ए टू एन, ए थ्री एन, ए टू टू, ए टू टू द पावर एन, ए थ्री टू द पावर एन, इन सबका जो सेट ले लिया गया है वो ए है मेरे पास, वो सब क्या है मेरे पास ए है। तो यहां पर क्या है, देन मुझसे पूछा गया यहां पर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब ऐसे कितनी सब सीक्वेंस आएगी यहां पर। ए ऑप्शन है मेरे पास ऑलवेज, ऑलवेज काउंटेबल, बी ऑप्शन है मेरे पास ऑलवेज अनकाउंटेबल, सी ऑप्शन है मेरे पास मे बी फाइनाइट, मे बी फाइनाइट, एंड डी ऑप्शन है मेरे पास मे बी एम्प्टी। तो यहां पर मेरे पास ऑलवेज काउंटेबल, ऑलवेज अनकाउंटेबल, मे बी फाइनाइट, मे बी एम्प्टी, क्या एम्प्टी भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, तो ऑलवेज काउंटेबल, ऑलवेज अनकाउंटेबल। अब देखिए यहां पर मतलब पूछा क्या है उसने, यहां पर यह पूछा है किसी भी सीक्वेंस की कितनी सब सीक्वेंस हो सकती है, उसने यही पूछा है। आप देखेंगे यहां पर उसने ये पूछा है कि किसी भी सीक्वेंस की अगर मैं कोई भी रियल सीक्वेंस डिफाइन करता हूं उसकी कितनी सब सीक्वेंसेस होती हैं। तो देखिए अच्छा सीक्वेंस क्या होता है मेरे पास, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। अगर मैं यहां पर सीक्वेंस की बात करूंगा, जैसे कि आपने सीक्वेंस पढ़ा होगा, तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था एफ सच दैट एन टू ए, सीक्वेंस मेरे पास क्या होता है, फंक्शन होता है, और ए क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ आर, एक जैसे सबसेट ऑफ आर। अगर मतलब इस सीक्वेंस पर मैंने लाइक इस सेट पर मैंने सीक्वेंस डिफाइन की है, तो एफ सच दैट एन टू ए का मतलब ये होता है कि मैं इस सेट पर सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं। ए आप कुछ भी ले सकते हो, ए काउंटेबल ले सकते हो, अनकाउंटेबल ले सकते हो, ये सेट है, ये सेट है मेरे पास, ए सबसेट है आर का। तो ये जब मैं सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, तब मैंने आपको बताया था सीक्वेंस एक फंक्शन होता है एन टू ए, ओके एन टू आर। अच्छा अब आप यहां पर देखेंगे सब सीक्वेंस क्या था, सब सीक्वेंस यहां पर क्या था, देखिए जो सब सीक्वेंस हम लोग लेते हैं, सब सीक्वेंस जो हम लोग लेते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड, यहां पर मैंने बताया था एनके सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एनके सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और जो भी हम चूज करते हैं, जो सबसे पहले डोमेन चूज करते हैं, लाइक कहने का मतलब यह है मेरा कि एनके जो हम लोग चूज कर रहे थे, कैसे चूज कर रहे थे, टू एन, टू एन प्लस वन, थ्री एन प्लस वन, टू टू द पावर एन, थ्री टू द पावर एन, ऐसे ही टाइप के तो हम चूज कर रहे थे, ऐसे ही टाइप के तो हम चूज कर रहे थे। अच्छा ध्यान से देखिए इस चीज को, ये हम एनके चूज कर रहे थे, यही तो सब सीक्वेंसेस हैं, ए एन के, जब इनको हम रखते हैं ए टू एन, ए टू एन प्लस, यही सब तो सब सीक्वेंस है, और इन्हीं को सब सबसेट बनाया गया, तो मेरे पास ये बन गया सब सीक्वेंस का सेट बन गया, ओके। इन्हीं सबको जब मैंने यहां पर सेट में रखा, जितनी भी मेरे पास बनेगी, अभी मुझे नहीं पता जितनी मेरे पास बनेगी, तो मैं यहां पर मैंने सारी कह दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, सेट बन गया, तो वो सब सीक्वेंस हो गया। तो ये कितनी बनेगी, अब हमें ये फाइंड करना है कितनी बनेगी। आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, यहां अगर नेचुरल नंबर है, यहां पर नेचुरल नंबर है मेरे पास, अगर सीक्वेंस ये मेरे पास नेचुरल नंबर टू ए है, अगर ये नेचुरल नंबर है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब तो इसके सबसेट है ना। नेचुरल नंबर अगर मैं यहां पर कोई भी डिफाइन करता हूं, मैंने सीक्वेंस के लिए बोला था एन, लाइक यहां से क्या होगा, एन लेंगे हम, कभी भी कुछ भी लेंगे, ए एन मैंने बोला है ना हमेशा, सीक्वेंस के लिए मैंने क्या बोला है, ए एन बोला है, और यहां पर ये सब क्या है, एन के सबसेट है, टू एन, 2n plus 1, 3n plus 1, 2 to the power n, 3 to the power n, ये सब n के क्या है, सबसेट है। देखो बातें पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, एक एक पहले पॉइंट पढ़ते हैं, फिर बातें पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ है क्या ये सब चीजें। तो यहां पर क्या है, ए एन है, यहां पर n आता है सीक्वेंस में, और यहां पर क्या आता है सब सीक्वेंस में, क्या आता है, ए एन के आता है, और एन के मतलब क्या है, ये सब 2n, 2n plus 1, 3n plus 1, और ये सब क्या है, ये सब सबसेट है ना इसके एन के,
एन के सबसेट ही तो है ये, एन के क्या है, सबसेट है एन का। और ऐसे कितने सबसेट हो सकते हैं एन के, ऐसे कितने सबसेट हो सकते हैं, हमें तो यही तो फाइंड करना है ये कितने होंगे, ऐसे ऐसे इनके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो भाई किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, अगर मैंने कार्डिनलिटी जैसे a = 1 2 3 4 5 ली है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5। भाई देखो सब चीज लिंक करो, बस छोटे छोटे करते चले जाओगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इतना, हालांकि इसमें ज्यादा समझाना नहीं था मुझे, लेकिन तब पर भी मैं बेसिक से चलता हूं हमेशा, कि बस धीरे से चीजें, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, और आगे बहुत आगे पहुंच जाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5 बनेंगे। अगर मेरे पास 4 कार्डिनलिटी के सेट होगा उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 बनेंगे। 3 कार्डिनलिटी का है कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 बनेंगे। तो भाई ये n कार्डिनलिटी का है, मतलब ये का है, इसकी कार्डिनलिटी अगर एलिफ नॉट है, आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट, ये नेचुरल नंबर ही तो है, इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट। तो ये क्या होता है भाई, पावर सेट ऑफ नेचुरल भी नंबर तो फाइंड करेंगे, यहां पर क्या फाइंड कर लेते हैं, सबसेट, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट क्या है, पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की कुछ भी लाइक कार्डिनलिटी लेता हूं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी जितनी होगी, तो वो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कैसे हम लोग दिखाते थे, 2 की पावर जितनी भी इसकी ए की कार्डिनलिटी होगी। तो ये सब मैंने सब कुछ बता रखा है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब कुछ बता रखा है, पावर सेट ऑफ ए बता रखा है, पहले ही बता रखा है ये चीजें, तो इसीलिए मैं यहां पर भी इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि इसकी कितनी सबसेट बनेंगे। सबसेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट ऑफ जो भी सेट का फाइंड कर रहे हो, नेचुरल नंबर का फाइंड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जितनी कार्डिनलिटी होगी उतने उसके सबसेट होंगे, उतने ही सब सीक्वेंसेस बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 2 की पावर एलिफ नॉट बनेंगे, जो कि क्या होती है, सी होती है, सी के इक्वल होती है। अगर आपने रियल एनालिसिस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो आपने ये चीज देखा होगा कि मैंने 2 की पावर एलिफ नॉट को सी बताया था। तो ये सी मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नंबर है, क्वांटिनम नंबर इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, यहां पर सब सीक्वेंस बनेंगी। तो जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आया होगा कि कितनी सब सीक्वेंस बनेंगी, हमेशा अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस बनती हैं, तो ऑलवेज अनकाउंटेबल। ओके, तो फाइनाइट नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नहीं हो सकती, लाइक काउंटेबली नहीं हो सकती, इंपिटी नहीं हो सकती, तो किसी भी सीक्वेंस की मेरे पास सब सीक्वेंस कितनी बनती है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट बनती है, लाइक अनकाउंटेबल बनती है। अगर अनकाउंटेबल बोल दिया तो इनफाइनाइट बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने ये बताया, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी फ्रेंड। यहाँ पर नेक्स्ट, इसलिए मैं सारी बेसिक क्लियर करता चलता हूँ, क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में तो हम सारी चीजें पूछ लेते हैं, जहां हमें हल्का सा डाउट होता है हम पूछ लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, इसलिए मैं सारे पॉइंट कवर करके चलता हूँ, लगभग सारे 99% पॉइंट कवर करके चलता हूँ। यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ी जो जीरो लेवल की चीजें होती हैं, जो थोड़ी कम लेवल की चीजें होती है उसको भी अच्छे से डिफाइन कर देता हूं, कि बस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी, और प्रॉब्लम हल्की सी हुई तो फिर बैक करके आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो यहां पर हाँ, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेट बी ए, बी ए इज इक्वल टू, बी ए इज इक्वल टू ए एन, बी ए सीक्वेंस, sequence define on a which is a subset of R, which is a subset of R। देखिए अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ सब पीछे से लिंक करके बता रहा हूँ, मैंने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया, सब पीछे से लिंक करके बताया, तो पीछे का पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी अगर आप बिल्कुल जस्ट पढ़ रहे हो, पीछे आपने नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होगी, देखिए आपको, तो आपको पीछे का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैंने क्या लिया है, लेट बी ए इज इक्वल टू ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए सबसेट ऑफ आर। यहां पर मैंने वो सारी सीक्वेंस ले ली है, यहां पर मैंने सारी सीक्वेंस का एक सेट बनाया है, सारी सीक्वेंस का एक सेट बनाया है जो इस ए पर डिफाइन हो रही हैं, जो इस ए पर डिफाइन हो रही हैं फ्रेंड। तो यहां पर मैंने एक सीक्वेंस का सेट बनाया है जो ए पर डिफाइन हो रही हैं। तो यहां पर मुझे पूछा गया है, एग्जांपल पूछा गया है, लाइक ऑप्शन कुछ दिया गया है, ए इफ ए इज अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, this implies BA is uncountable, BA is uncountable। second option है मेरे पास, second option है मेरे पास BA can be countably, BA can be countably infinite for some A, for some A। ओके, सी ऑप्शन है मेरे पास, बी ए कैन बी, कैन बी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल बोल दिया यहां पर, तो सेम बात होती है, अनकाउंटेबली फॉर
फाइनाइट ए, फॉर फाइनाइट ए। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है इफ ए इज अनकाउंटेबल, दिस इंप्लाइज बी इज अनकाउंटेबल। सेकंड एग्जांपल लाइक सेकंड ऑप्शन है मेरे पास बी ए कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट फॉर सम ए, और थर्ड मेरे पास है बी ए कैन बी अनकाउंटेबली फॉर फाइनाइट ए, और थर्ड डी मेरे पास है नन ऑफ दीज। अब मुझे यहां पर यह बताना है कि बी ए क्या होगा, बी ए क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा लाइक अनकाउंटेबल हो सकता है फॉर सम ए या फाइनाइट ए के लिए, और यहां पर क्या है कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट फॉर सम ए। अच्छा अब आप यहां पर देखिए, हाँ बी ए कैन बी, ठीक है अब यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम लोग, यहां पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि देखिए बी ए क्या है मेरे पास, इसको करने का तरीका देखते हैं हम लोग कि ये मेरे पास क्वेश्चन था बी ए एक सबसेट है, लाइक सीक्वेंस का सेट है, सीक्वेंस किस टाइप की आ रही है जो ए पर डिफाइन हो रही है। तो यार आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो किसी एक सेट पर हम लोग सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, किसी एक सेट पर सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, तो बस वो यहीं पर है कि किसी एक सेट है उस पर डिफाइन हो रही सीक्वेंस। जैसे कि मैं बोलूं 0.1, अगर मैं क्लोज इंटरवल 0.1 की बात करूं और 1/n एक सीक्वेंस यहां पर डिफाइन कर सकता हूं, इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूं, इस सेट के अंदर सीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूं। अभी जब मैं आगे आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बताऊंगा या आगे और भी अभी चीजें बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि मैं यहां पर जब देखिए ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो इसमें अभी नहीं, बस अभी ये चीज मैं आगे बताऊंगा ये आपको। बस यहां पर जो लिखा हुआ है ए एंड बी सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए, डिफाइन ऑन ए का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इंटरवल ले लो, कोई भी इंटरवल ले लो और उसमें एक सीक्वेंस डिफाइन कर दो, एक सीक्वेंस डिफाइन कर दो। जैसे 0.1 में आप सीक्वेंस डिफाइन करोगे 1/n, अगर इसके अंदर लाइक ये 0 है मेरे पास, ये 1 है मेरे पास, इसके अंदर अगर आप सीक्वेंस डिफाइन करोगे तो मेरे पास इसकी सीक्वेंस की टर्म कैसी होगी, 1 होगी, फिर 1/2 होगी, 1/3 होगी, ऐसे ऐसे टर्म आती जाएगी और 0 पर कन्वर्ज करेगी। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस डिफाइन हुआ कि नहीं हो गई, तो बस वही चीज कह रहा है कि ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए। तो मतलब कई सारी सीक्वेंस है ऐसी जो ए पर डिफाइन हो रही है। तो भाई उसने ये पूछा है, सबसे पहला ऑप्शन ये पूछा है कि ए इज अनकाउंटेबल, अगर ये मेरे पास सेट अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल आप अच्छे से जानते हो, पीछे से पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये मेरे पास अनकाउंटेबल है तो बताओ क्या बी ए अनकाउंटेबल सीक्वेंस आ सकते हैं, ऐसा उसने मतलब एक ही कुछ लाइक ले लो आप वैल्यू तो उसके लिए काउंटेबली इनफाइनाइट बन सकती हैं, और इसी तरह पूछा है अनकाउंटेबली फॉर फाइनाइट ए। तो अब देखते हैं यहां पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके तो यहां पर मैं देखूंगा कि ए एन जो सीक्वेंस होती है वो कैसे डिफाइन होती है। देखिए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, मैंने बताया था आपको सीक्वेंस कुछ नहीं होती, सीक्वेंस एक फंक्शन होती है जो n टू a में डिफाइन होती है, a इज अ सबसेट ऑफ r, तो n टू a में डिफाइन होती है। तो जी जो मैं ba को लिखूंगा ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड, ba का जो सेट बनाऊंगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, an क्या है फंक्शन है एक f such that n टू नेचुरल नंबर से a में डिफाइन होने वाला एक फंक्शन है। तो ये f है क्या, f इज अ फंक्शन, भाई ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पहले आप ये देखिए, ये मैं आराम से लिख सकता हूं क्योंकि मैंने कुछ नहीं बस an को ऐसा लिखा f such that n to a, क्योंकि यही सेट में आ रहे थे ना सारे जितने भी फंक्शन इस टाइप के होंगे मेरे पास, वो सारी सीक्वेंस बनेगी, वो सारी सीक्वेंस बनेगी, वही सीक्वेंस का सेट है जो a पर डिफाइन हो रहा है, a पर डिफाइन हो रहा है मतलब ये है मेरे पास। ओके f such that n to a such that f is function, f is function। ओके अब आप यहां पर देखेंगे कि फिर से देखिए उन्होंने पहले दोनों को कार्नलिटी दोनों की रिलेट कराया है, a को बी ए से रिलेट कराया है। अच्छा अब आप यहां पर देखेंगे जरा सा कि अगर मेरे पास ए की कार्डिनलिटी, पहले मैं ए के ए इज इक्वल टू 1 लेके चलता हूं, ए इज इक्वल टू 1 लेके चलता हूं, मतलब कि क्या है ए की कार्डिनलिटी, ए क्या है सेट है, ए एक सेट है और जो कि सबसेट है आर का, सबसेट है आर का, ए की कार्डिनलिटी अगर मैं पहले 1 लेके चलता हूं, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 1, अगर यहां पर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 1 यानी कि ए की कार्डिनलिटी, एक पॉइंट लिया है मैंने कोई ए की कार्डिनलिटी यहां पर, क्योंकि देखिए ये रियल नंबर है मेरे पास, अगर यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं ये भी तो सबसेट होगा आर का, तो ए की कार्डिनलिटी अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, बी ए की कार्डिनलिटी मेरे पास कितनी होगी,
यहां पर बी ए में कितने ऐसे फंक्शन आएंगे आप देखेंगे, यहां पर यहां वन लिया तो वन की पावर एलिफ नॉट ऐसे फंक्शन आएंगे, मतलब बी ए उसका सेट है, ऐसे सेट का फंक्शन लाइक फंक्शन का सेट है जहां पर नेचुरल नंबर से ए पे डिफाइन हो रहा है। अगर मैंने ए की कार्डिनलिटी 1 रख ली तो यहां पर बी ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 1 की पावर एलिफ नॉट। यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर 1 की पावर एलिफ नॉट। मैंने यहां पर बताया था कितने ऐसे फंक्शन होते हैं, एम की पावर एन। ए टू बी अगर मुझे फंक्शन फाइंड करना होता है तो यहां पर कितने ऐसे फंक्शन होते हैं, अगर इसकी कर्नलिटी मेरे पास m है, इसकी कर्नलिटी n है, तो n टू द पावर m फंक्शन होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। भाई देखो पीछे आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहां कुछ समझ में नहीं आने वाला है, पीछे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पीछे जाना ही पड़ेगा। तो ये वैसी भी चीजें आपने ट्वेल्थ में सीखी होंगी, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन कितने n टू द पावर m होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 1 की पावर एलिफ नॉट नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे, वही बी ए की कर्नलिटी हो जाएगी। इसमें बी ए क्या है, फंक्शन है, वो सारे फंक्शन है, एफ सच दैट एन टू ए। यहां कितने ऐसे फंक्शन होंगे, 1 टू द पावर एलिफ नॉट होंगे, 1 टू द पावर एलिफ नॉट होंगे, जो कि 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, बी ए की कार्डिनलिटी 1 हो गई। तो फाइनाइट वैल्यू के लिए, फॉर सम फाइनाइट वैल्यू के लिए बी ए की कार्डिनलिटी फाइनाइट हो सकती है। अच्छा अब आप यहां पर देखिए, इफ इफ ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2, अगर मैंने ए की कार्डिनलिटी 2 कर दी तो आप देखेंगे यहां पर दिस इंप्लाइज बी ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, यहां से आप देखेंगे 2 की पावर एलिफ नॉट हो गया, यहां पर ये 2 है, 2 की पावर एलिफ नॉट हो गया, 2 की पावर एलिफ नॉट विच इज सी अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया यहां पर, विच इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई ए की फाइनाइट कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए मेरे पास बी ए की फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, लेकिन बी ए की अगर ए का अनकाउंटेबल हो गया, अब आप देख सकते हैं यहां पर ए की वैल्यू जब मैंने 2 ली, मतलब कि ए की कार्डिनलिटी 2 ली, तो मेरे पास फंक्शन कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मेरे पास सी आ गए, अनकाउंटेबल आ गए। तो देखिए अभी थोड़ी बहुत शायद प्रॉब्लम हो रही होगी जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कुछ हवा में बताया हो, सब कुछ पीछे से लिंक कर रहा हूं, सब कुछ पीछे मिलेगा आपको, आपको पीछे एक एक चीज मिलेगी जो मैंने यहां पर बातें बोली है ना, एक एक चीज मिलेगी आपको पीछे, तो जो पीछे से रिलेट करके पढ़ रहे हैं उनको तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर मेरे पास बीए अनकाउंटेबल हो गया, बीए अनकाउंटेबल हो गया, तो जो मेरे पास ऑप्शन था ए की कार्डिनलिटी अगर अनकाउंटेबल होगी, यहां पर अगर कई सारे होंगे, जब 2 पर ही मेरे पास अनकाउंटेबल हो गया तो इसको मैं अनकाउंटेबल करूंगा तो मेरे पास अनकाउंटेबल तो होगा ही। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास था ए इज अनकाउंटेबल, देन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज अनकाउंटेबल, तो वो 2 हो गया मेरे पास। अच्छा और फिर मेरे पास एक था बीए कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट, क्या कभी ये काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है, ये मेरे पास या तो 1 आ रहा है, या तो यूनिक आ रहा है, या तो अनकाउंटेबल आ रहा है। किसी सेट पर आप सीक्वेंस डिफाइन करोगे तो हमेशा वो क्या आएगी, हमेशा या तो यूनिक होगी, या तो यूनिक होगी सीक्वेंस, या तो अनकाउंटेबल सीक्वेंस होगी। इसका मतलब ये है, क्या काउंटेबली इनफाइनाइट कभी आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो वो भी कट हो गया, तो बी ऑप्शन कट हो गया। सी ऑप्शन मैंने क्या दिया था आपको, सी ऑप्शन ये दिया था बी ए कैन बी अनकाउंटेबल, कैन बी अनकाउंटेबल फॉर फाइनाइट ए, तो आप देख सकते हैं ए की कार्डिनलिटी 2 रखी, मेरे पास अनकाउंटेबल आ गया। 2 या 2 से ग्रेटर देन आप रखोगे हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, हमेशा अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट वैल्यू के लिए मेरे पास ये अनकाउंटेबल आ गया, तो सी भी ऑप्शन 2 हो गया फ्रेंड। तो सी ऑप्शन भी 2 हो गया, ए भी 2 हो गया, और मेरे पास डी नन ऑफ दी, तो वो तो रॉन्ग ही हो गया। तो यहां पर मैंने ये बताया फ्रेंड आपको कि बी ए अगर मेरे पास ऐसा सेट गिवन है तो यहां पर कुछ नहीं है, बस हमें एक बात सीखने को मिली है कि अगर कोई भी सेट लाइक सीक्वेंस किसी सेट पर डिफाइन है, सीक्वेंस किसी सेट पर डिफाइन हो रही है, तो या तो वो यूनिक होगी, या तो अनकाउंटेबल सीक्वेंस उस सेट पर डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब क्या, अगर ए की कार्डिनलिटी अगर लाइक 0 से 1 के बीच में अगर आप कर रहे हो, 0 से 1 के बीच में कर रहे हो, तो इसमें कितनी आप सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो, अनकाउंटेबल सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो। ये सब बातें आपको काम अभी काम आएंगी सारी चीजें। देखिए जो ये पढ़ाने का लेवल है बहुत ही ज्यादा है, ये जो मैं बता रहा हूं ये वैसा टाइप का नहीं है कि आप धीरे धीरे सारी चीजें सीख ले रहे हो, नहीं वैसा नहीं है, ये काफी चीजें हैं, ऐसी काफी चीजें, ये सब काम आएंगी आपको, ये सब काम आएंगी आपको। और ये जो रियल है ना, जो बिल्कुल एकदम मतलब रियल पढ़ते हैं, तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, वैसी ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए रियल कहते हैं, टफ है, तो टफ कुछ नहीं है, बस हम क्या करते हैं बेसिक अच्छे से नहीं करके चलते हैं। तो सारी चीजें क्या है, ये मेरे पास 0.1, इसके अंदर कितने सीक्वेंस डिफाइन होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। अगर मैंने यहां पर एक ओनली 1 पॉइंट लिया है तो मेरे पास कितनी होगी सीक्वेंस डिफाइन, ओनली एक ही सीक्वेंस डिफाइन होगी। अगर मैं यहां पर कोई सिंगलटन पॉइंट लूंगा, देखिए किसी सेट पर ही सीक्वेंस डिफाइन होती है, लाइक अगर हम किसी सेट पर ही सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए सेट, सीक्वेंस पर ही डिफाइन करते हैं, तो या तो वो अनकाउंटेबल होगी या तो यूनिक होगी। तो कोई भी जो सीक्वेंस होती है मेरे पास, तो यहां पर एक मैं पॉइंट लिखूंगा फ्रेंड, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। अभी हल्का सा समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, आप बैक करके भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसी चीजें होती हैं कि बाद में माइंड में नहीं रहती हैं,
बाद में माइंड में नहीं रहती हैं। तो आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रही है चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें चल ही रही हैं फ्रेंड, तो यहां पर अगर आपको समझ में नहीं, धीरे धीरे आप जब चलते चले जाओगे तो बाद में सब कुछ समझ में आता चला जाएगा आपको। तो लेकिन यहां पर मैं अपना पूरा दे रहा हूं कि 100% दे रहा हूं कि कोई भी चीज मिस ना हो, कोई भी चीज मिस ना हो, बस आपने पीछे पढ़ी हो, आपने पीछे पढ़ी हो। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए, डिफाइन ऑन ए सेट, एनी सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए सेट आइदर यूनिक, यूनिक और अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल, या तो यूनिक होती है या तो अनकाउंटेबल मिलेगी आपको, या तो यूनिक सीक्वेंस मिलेगी आपको या तो अनकाउंटेबल सीक्वेंस मिलेगी किसी भी सेट पर अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो। ओके, सेकंड पॉइंट है मेरे पास, सेकंड मेरे पास पॉइंट ये है, हाँ, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। हाँ, तो सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस की सब सीक्वेंस जितनी भी होती है वो क्या होती है, हमेशा अनकाउंटेबल होती है। किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस क्या होती है, हमेशा अनकाउंटेबल। सब ये मैंने बताई दिया आपको। तो यहां पर मैंने आपको दो पॉइंट बताए, एनी सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए सेट आइदर यूनिक और अनकाउंटेबल, और मैंने बताया सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ओके, अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लेट, हाँ, an has a limit point, यहां लिमिट पॉइंट को मैं LP से दिखा दे रहा हूं, if an has a limit point then we can define a subsequence an has a limit point then we can define a subsequence which has same limit point। यहां पर मैंने ये बोला है आपको कि अगर मेरे पास an के पास लिमिट पॉइंट है, an के पास लिमिट पॉइंट है, तो यहां पर मैं एक ऐसी सबसीक्वेंस जरूर डिफाइन करूंगा कि जिसका लिमिट पॉइंट वही होगा। एक ऐसी सबसीक्वेंस हम जरूर डिफाइन कर सकते हैं जिसका लिमिट पॉइंट वही होगा। कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्रेंड कि अगर an के पास, मेरे पास an के पास लिमिट पॉइंट है, अगर इफ an हैज लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाते हैं सीक्वेंस में। मैंने आपको क्या बताई थी, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, for all epsilon is greater than 0 there exists an belongs to a minus epsilon a plus epsilon for infinite n। तो यहां पर मैंने एक बताई थी आपको डेफिनेशन, बताई लिमिट पॉइंट के सीक्वेंस, लाइक सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी आपको कि सीक्वेंस के पास अगर लिमिट पॉइंट है फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट an belongs to a minus epsilon, अगर an का लिमिट पॉइंट a है तो an बिलोंग कर जाएगा a minus epsilon a plus epsilon के बीच में, लाइक a के नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म लाई कर जाएंगी, सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म लाई कर जाएंगी, मैंने ये आपको बताया था। और लिमिट के लिए मैंने बताया था सारी टर्म, कुछ टर्म छोड़ के सारी टर्म ए के नेबरहुड में चली जाएंगी, तो वो लिमिट की डेफिनेशन होती है, दोनों अलग होती है जो कि। तो यहां पर ये मैंने लिख दिया, और मैंने बताया है कि अगर ए एन के पास एक लिमिट पॉइंट है तो एक सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका लिमिट पॉइंट ए होगा। तो जैसे देखिए ए का, ए एन का लिमिट पॉइंट ए है, तो यहां पर मैं सब सीक्वेंस डिफाइन करूंगा। मतलब क्या है, यहां पर एप्सिलॉन को वैल्यू, इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मैंने 1/nk ले लिया विच इज ग्रेटर देन 0, भाई एप्सिलॉन को हम देखिए, एप्सिलॉन कुछ नहीं है, एप्सिलॉन एक नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, 0 point something कुछ भी ले सकते हो आप। एप्सिलॉन क्या होता है, अगर किसी को एप्सिलॉन में ही कंफ्यूजन हो, तो एप्सिलॉन कुछ नहीं होता, बस 0 से बड़ा कोई नंबर होता है, 0 point something, 0.12, 0.0000, मतलब 0 से बड़ा बस आपको नंबर कुछ भी ले लेना है आपको। तो एप्सिलॉन मैंने ये ले लिया, 1/nk डिफाइन कर लिया यहां से, विच इज ग्रेटर देन 0, यहां से मैंने एप्सिलॉन जैसे ही डिफाइन किया, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, n की जगह nk मैं यहां पर कर रहा हूं, देयर दिस ank बिलोंग्स टू a माइनस 1/nk कॉमा ए प्लस 1/nk फॉर, हाँ, तो यहां पर ये आप देखेंगे a माइनस 1/nk a प्लस 1/nk, तो यहां पर मैंने एक सब सीक्वेंस डिफाइन कर ली, ank डिफाइन कर लिया जो इसके नेबरहुड में लाई कर रहा है। इसके नेबरहुड में कहने का मतलब ये है, इसके इसके इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, इसके नेबरहुड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सब सीक्वेंस मैंने यहां पर डिफाइन कर ली जिसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, a होगा, an, ank का लिमिट पॉइंट क्या होगा, an को, और ank क्या है, ank इज सब सीक्वेंस ऑफ
इज सबसीक्वेंस ऑफ ऑफ ए एन. तो मेरे पास ए एन के क्या है, सबसीक्वेंस है ए एन की. तो बस यहां पर यही बता रहा था मुझे कि अगर मेरे पास कोई लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो मैं यहां पर एक ऐसी सबसीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूं जिसका लिमिट पॉइंट वो होगा. तो यहां पर मुझे ये बताना था. अब कुछ पॉइंट लिखता हूं फ्रेंड मैं यहां पर. अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं. फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, हाँ, सबसीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. ऑलवेज कन्वर्जेंट. तो कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस होगी तो उसकी जितनी भी मैं सब सीक्वेंस लूंगा वो भी कन्वर्जेंट ही होगी. देखिए ऐसे ही देख सकते हैं, मैं इसको प्रूफ तो नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही देख सकते हैं. आपकी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो आप दे ए एन माइनस ए एन, लाइक ए एन ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन ए पे कन्वर्ज कर रही, तो हम डेफिनेशन लगाएंगे ए एन माइनस ए विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम. ये मैंने बताया था फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये हम वो लगाएंगे. तो जितनी भी मैं सब सीक्वेंस लूंगा, जितनी भी सब सीक्वेंस लूंगा उस सबकी लिमिट ए ही होगी और वो ए पर ही कन्वर्ज करेगी फ्रेंड. तो यहां पर मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूं. तो सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. ओके, और सेकंड पॉइंट है मेरे पास, सब सीक्वेंस ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज डाइवर्जेंट. तो अगर कोई मेरे पास डायवर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस आप बनाओगे, जैसे मैंने n लिया, ये डायवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी जितनी भी आप बना लोगे, 2n plus 1 बना लिया मैंने एक सब सीक्वेंस, एक 3n plus 1 बना लिया, 3 to the power n, कुछ भी बनाओगे तो हमेशा डायवर्जेंट ही होगी. तो जितनी भी सब सीक्वेंस, अगर मेरे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगी, और अगर डायवर्जेंट सीक्वेंस है तो हमेशा सब सीक्वेंस डायवर्जेंट ही होगी फ्रेंड. तो यहां पर मैंने दो पॉइंट बताए हैं, तो ये हम यूज करते रहेंगे इसका. तो यहां पर मैंने दो पॉइंट बताया. ओके हाँ, एक मैं बताता हूं ऑसिलेटरी सीक्वेंस का. ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने एक लिया है ए एन इज इक्वल्स टू वन इफ एन इज इवन एन इज ऑड इफ देन. यहां पर मेरे पास क्या है, एन है. अगर एन ऑड है तो n जा रही है, ये नया तो देख नहीं रहे आप, अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा ये सीक्वेंस. इफ n इज ऑड तो मेरे पास n है, इफ n इज इवन तो मेरे पास 1 आ रही है. तो ये मेरे पास कैसी सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले. तो ये मेरे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस है. देखिए मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, यहां पर मैं सब कुछ बता चुका हूं ये सीक्वेंस के बारे में, आप देख चुके हैं सारी चीजें. तो अगर मेरे पास n इवन है तो 1 आ रहे हैं, n ऑड है तो मेरे पास n आ रहा है. तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है. तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक सबसीक्वेंस ऐसी इसमें से ले सकते हो आप, और एक सबसीक्वेंस इसमें बना सकते हो आप. एक सबसीक्वेंस ए एन के यहां पर डिफाइन कर सकते हो कि 1111 में ही आए, और एक सबसीक्वेंस यहां से भी ले सकते हो, मतलब यहां से भी कई सारी सबसीक्वेंस ले सकते हो. तो इसमें यहां से जो लोगे आप हमेशा क्या मिलेगी, लाइक मैं यहां पर बता दूं, अगर एन के आप अगर 2n लोगे, एन के आप 2n लोगे तो हमेशा कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी आपको. तो यहां ए एन की मेरे पास क्या आएगी, ए एन की मेरे पास 1 आएगी हमेशा. ओके okay? और यहां पर जैसे ही ऑड लोगे आप, एन के इज 2n plus 1 लोगे आप, तो a 2n plus 1 मेरे पास क्या आएगी हमेशा, लाइक a 2n plus 1 मेरे पास क्या आएगी हमेशा, ये आएगी, n आएगी, कहने का मतलब ये है. तो ये मेरे पास ऐसा आएगा, और ये डाइवर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट होगी. तो जो भी आप इसमें से लोगे ये हमेशा डाइवर्जेंट करेगी, डाइवर्ज होगी, और यहां पर ये कन्वर्जेंट आएगी. तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस थी ये मेरे पास. ऑसिलेटरी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है. तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कहने का मतलब ये है ऑसिलेटरी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों तरह की सब सीक्वेंस हो सकती है फ्रेंड. लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास ऑलरेडी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ही होगी, डायवर्जेंट सबसीक्वेंस के पास डायवर्जेंट ही सबसीक्वेंस होगी, लेकिन ऑसिलेटरी के पास क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट और डायवर्जेंट दोनों हो सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, यहां पर 2n अगर आप इवन चल रहे थे तो 1 1 आ रही थी, तो 1 1 से ही एक सबसीक्वेंस डिफाइन कर लो, और यहां से अगर कोई भी सबसीक्वेंस डिफाइन करोगे तो हमेशा वो डायवर्जेंट होगी फ्रेंड. तो यहां पर मैंने ये बताया. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं, और अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा फ्रेंड, अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं यहां पर. अब तो ये तो पॉइंट थे कुछ बताने वाले थे. अब एक मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ ए एन इज सीक्वेंस, ए एन बी अ सीक्वेंस, ए रियल सीक्वेंस सीक्वेंस एंड a2n इफ a2n एंड a2n प्लस 1 A2n plus 1 are subsequence of
सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, मेरे पास ए टू एन एंड ए टू एन प्लस वन सब सीक्वेंस है ए एन की, ए टू एन एंड ए टू एन प्लस वन आर सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, लाइक सच दैट ए टू एन कन्वर्स टू ए एंड ए टू एन प्लस वन कन्वर्स टू बी, ए टू एन प्लस वन कन्वर्स टू बी. दिस इंप्लाइज ए एन, ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए इज इक्वल टू बी. तो भाई ये पॉइंट मुझे प्रूफ करना है, इसको हम प्रूफ करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे हम लोग काफी चीजें देखेंगे. अभी एक क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको. तो यहां पर मैंने ये बताया है आपको कि ए एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है, ए एन कोई सीक्वेंस है, ए टू एन सब सीक्वेंस है उसकी, और ए टू एन प्लस वन सब सीक्वेंस है ए एन की. ए टू एन ए पर कन्वर्ज कर रही है, ये गिवन है सब कुछ, और ए टू एन प्लस वन बी पर कन्वर्ज कर रही है, ये भी गिवन है सब कुछ. तो यहां पर ये है कि अगर मेरे पास ए इक्वल टू बी होगा, ये दोनों सेम होगा तो हमेशा कन्वर्ज करेगी, और इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी देन ए एन इज डाइवर्जेंट, तो ए एन डाइवर्ज करेगी, लाइक कन्वर्ज नहीं करेगी. यहां पर ए, अगर ए डज नॉट इक्वल टू मेरे पास बी है, ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है फ्रेंड, फिर सबसीक्वेंस लाइक कन्वर्ज नहीं करेगी. ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, सॉरी डाइवर्ज ही करेगी, डाइवर्ज. यहां पर ऑसिलेटरी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों कन्वर्ज कर रही है, ए टू एन प्लस वन भी कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए एन क्या करेगी, डाइवर्ज कर रही है फ्रेंड. ओके, तो अब देखते हैं यहां पर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ए एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है. सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है. स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए एन मेरे पास सीक्वेंस है, ए टू एन मैंने सबसीक्वेंस दी, ए टू एन प्लस वन सबसीक्वेंस दी मैंने, ए टू एन कन्वर्ज कर रही है ए पर, ए टू एन कन्वर्ज कर, ए टू एन प्लस वन कन्वर्ज कर रही है बी पर. अगर ये दोनों ए और इक्वल टू बी होंगे तो मेरे पास ए एन कन्वर्जेंट होगी, ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा तो ए एन डाइवर्जेंट होगी. तो इसको प्रूफ करते हैं. सबसे पहले लेते हैं ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी को मैंने कन्वर्जेंट दिखा दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो गया, दूसरा ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो गया, क्योंकि सब सीक्वेंस है अलग अलग पॉइंट पे अगर कन्वर्ज करेंगे तो कभी भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमेशा सब सीक्वेंस क्या होती है, हमेशा कन्वर्जेंट, लाइक सीक्वेंस के अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो सब सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगी और सेम लिमिट पर कन्वर्ज करती है. हाँ, ये मैंने पॉइंट बताना भूल गया था यहाँ पर, कि जो भी सब सीक्वेंस होती है वो सेम लिमिट पर कन्वर्ज करती है, कि ए एन की अगर लिमिट ए है तो जितनी भी सब सीक्वेंस होगी उसकी सबकी लिमिट क्या होगी, ए होगी. तो जितनी भी सब सीक्वेंस होती है उनकी लिमिट क्या होती है, ए ही होगी फ्रेंड. तो यहां पर यह चीज पॉइंट बताना मैं भूल गया था. हाँ, अब इसको प्रूफ करते हैं जो मैंने अभी बताया आपको. प्रूफ मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, ए एन सीक्वेंस है, ए टू एन और ए टू एन प्लस वन दोनों सब सीक्वेंस है, ए टू एन ए पे कन्वर्ज कर रही है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी, ए टू एन ए पे कन्वर्ज कर रही है. तो अब देखिए, बस कुछ नहीं करना है, ए टू एन की लिमिट क्या है, ए है, ए टू एन की लिमिट क्या है, ए है, तो लिमिट की डेफिनेशन लगा दो. डेफिनेशन लगाना है, प्रूफ में क्या करते हैं, डेफिनेशन लगाते हैं, ए टू एन ए पे कन्वर्ज कर रही है, लाइक ए टू एन कन्वर्स टू ए. तो यहां पर क्या करना है मुझे, लिमिट की डेफिनेशन लगानी, क्या होती है लिमिट की डेफिनेशन, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यहां पर एप्सिलॉन 1 ले रहा हूं, क्योंकि ए टू एन प्लस 1 में भी वर्क करना है मुझे, एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एम वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए टू एन माइनस ए विच इज लेस देन एप्सिलॉन 1 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन. ये इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताना, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको, पीछे आप देख सकते हैं. तो ये मैंने लिमिट की डेफिनेशन लिखी. ओके, इसी तरह अगर मैं ए टू एन प्लस वन की बात करता हूँ, इफ लाइक ए टू एन प्लस वन कन्वर्ज है मेरे पास, लाइक कन्वर्ज करती है किस पे, बी पे कन्वर्ज करती है, ए टू एन प्लस वन जो सीक्वेंस है वो बी पे कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that a 2n plus 1 minus b, sorry, हाँ b, और a equal to b है, a equal to b है, इसका मतलब क्या है, b की जगह मैं a लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a भी लिख सकता हूँ, a which is less than epsilon 2 for all n is greater than equal to m 2. तो बस यहाँ पर मैं लिमिट की डेफिनेशन लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. This implies, okay. तो मेरे पास a 2n plus 1 minus a which is less than epsilon 2. अच्छा, तो a 2n मेरे पास कन्वर्जेंट थी, a पर कन्वर्ज कर रही थी, और a 2n plus 1 भी कन्वर्ज कर रही थी b पर, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो मैंने यहाँ पर बस लिमिट की डेफिनेशन लगा दी और कुछ नहीं किया. अच्छा, अब मुझे ये दिखाना था a equal to b है तो an कन्वर्ज करेगी, an कन्वर्ज करेगी तो
कैसे हम लोग दिखाएंगे, ए एन अगर कन्वर्ज करेगी तो मेरे पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगी तो सीधी सी बात है ए पर ही जानी चाहिए, क्योंकि सब सीक्वेंस ए पर ही जा रही है, सब सीक्वेंस ए पर जा रही है तो सीक्वेंस को भी ए पर ही जाना चाहिए। तो लाइक ए एन अगर कन्वर्ज करेगी तो ए एन माइनस ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, देखिए ए एन माइनस ए विच इज लेस देन और इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन वन कर सकते हैं या एप्सिलॉन टू कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने दो एप्सिलॉन चूज किए हैं, एप्सिलॉन टू एंड एप्सिलॉन वन, यहां पर दो एप्सिलॉन चूज किए हैं, तो यहां पर ये मेरे पास क्या हो सकता है, एन इज एन माइनस ए लेस देन इक्वल टू लाइक लेस देन एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। एप्सिलॉन वन कब होगा मेरे पास, आप देख सकते हैं यहां पर एप्सिलॉन वन यहां मैंने डिफाइन किया है, इफ एन यहां पर मेरे पास क्या है, जब मेरे पास एन इवन है, यहां पर मेरे पास क्या है, सब सीक्वेंस क्या है मेरे पास इवन है और यहां पर क्या है ऑड है, तो हम लोग ए टू एन प्लस वन ले रहे हैं, कहने का मतलब एप्सिलॉन टू चूज कर रहे हैं, तो इफ इज इवन और यहां पर इफ एन इज ऑड, एन इज ऑड, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इवन ऑड ना बोल के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन वन कब चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको लिमिट दिखाना है ना, प्रूफ करना है इसको, तो एप्सिलॉन वन इफ क्या करते हैं फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम वन, तो यहां पर हम लोग यही करेंगे इफ एन इज ग्रेटर देन एम वन और यहां पर क्या है एन इज ग्रेटर देन एम टू फॉर ऑल, या ये भी कर सकते हैं इफ की जगह हम लोग फॉर okay. अब ठीक है ओके okay. तो एप्सिलॉन वन चूज कर सकते हैं फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम वन के लिए, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम टू के लिए, एन इज ग्रेटर देन एम टू के लिए ओके okay. तो यहां मुझे कन्वर्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे एप्सिलॉन जो चूज करेंगे, एप्सिलॉन जो चूज करेंगे अगर ये कन्वर्ज करेगी तो एप्सिलॉन जो चूज करेंगे इसका मिनिमम होना चाहिए, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू का मिनिमम होना चाहिए, तो एप्सिलॉन जो चूज करेंगे हम लोग मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन वन कॉमा एप्सिलॉन टू और यहां पर ये मेरे पास क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू, तो जो हम लोग यहां पर एम चूज करेंगे, एम चूज करेंगे वो कहां से लाइक एम कैसा चूज करेंगे मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू, एम वन कॉमा एम टू जो लाइक एम चूज करेंगे वो मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू ओके। तो हमें अब ये मेरे पास डेफिनेशन ए एन माइनस ए विच इज लेस देन एप्सिलॉन विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन, तो आप देख सकते हैं यहां पर ए एन भी ए पर कन्वर्ज करेगी, तो मुझे ये दिखाना था, ये चीज यहां मुझे ये शो करना था, तो एप्सिलॉन को हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां मुझे शो करना था तो एप्सिलॉन को इसका मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन जितना भी छोटा कर पाओ उससे मुझे ये छोटा बनाना होता है, एप्सिलॉन जितना भी आप छोटा कर पाओ उससे मुझे ये छोटा बनाना होता है फ्रेंड। तो यहां पर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और यहां पर जितना आगे ये देखिए सारी चीज मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट यहां पर लिख दिया, सारी चीज मैं पीछे बता चुका हूं कि एम वन एम टू क्या होते हैं, मैंने बताया था कुछ टर्म छोड़ दो उसके बाद के टर्म सारी कन्वर्ज कर जानी चाहिए एक ही नेबरहुड में, इसका मतलब ये है। तो इसी तरह इनका जो मैक्सिमम होगा इधर से कुछ टर्म छोड़े उधर से कुछ टर्म, तो इनका जो मैक्सिमम होगा वहां से हमने कुछ टर्म छोड़ दिए बाकी सारे टर्म कन्वर्ज करके ए पर। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने ऐसा लिखा, यहां पर शो करना है मुझे, तो शो करना है तो मैंने ऐसे इसको प्रूफ कर दिया। तो यहां पर कुछ नहीं था, ए टू एन ए पे कन्वर्ज कर रही है, ए टू एन प्लस वन बी पे कन्वर्ज कर रही है, तो ए टू एन लाइक ए एन कन्वर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी इफ ए इक्वल टू बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा तो ए एन कन्वर्ज करेगी फ्रेंड। तो यहां पर मैंने ये पॉइंट बताया। अच्छा अब यहां पर एक नेक्स्ट मैं नेक्स्ट डेफिनेशन बताता हूं जो कि एग्जाम में उसके क्वेश्चन लगते भी हैं, एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं उसके क्वेश्चन। नेक्स्ट डेफिनेशन मैं स्टार्ट करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। तो अब मैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस जो कि इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मतलब क्या है, लेट लेट लाइक ए एन के एंड ए एम के बी आर सब सीक्वेंस ऑफ ए एन और ए एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस एंड ए एम के एंड ए एन के बी अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन ओके। देन लाइक ये डिफाइन कैसे हो रहा है मेरे पास, पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूं, ए एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है, ए एम के और ए एन के दोनों सब सीक्वेंस है ए एन के, मतलब क्या है अगर मैं एक सेट लेता हूं फ्रेंड ए इज इक्वल्स टू एन के nk such that nk belongs to natural number, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। और एंड बी मैंने एक सेट लिया mk such that mk belongs to natural number, एक मैंने सेट लिया nk लाइक a nk such that nk belongs to natural number और b मैंने एक सेट लिया mk such that mk belongs to natural number। तो देखिए a union b अगर मैं करूंगा
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, देखिए यहां से आपको समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि आप जब ए यूनियन बी करोगे तो ये मेरे पास पूरा नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए। ए यूनियन बी करोगे तो पूरा नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी करोगे, आप जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो फाई आ जाना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो फाई आ जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसमें जो टर्म होंगे जो सीक्वेंस के नेचुरल नंबर के, इसमें जो टर्म होंगे, कहने का मतलब है इसमें जो टर्म होंगे इससे डिफरेंट होंगे, इसके डिफरेंट होंगे कहने का मतलब है। और जब आप यूनियन करोगे तो सारे टर्म मिलकर एन बना देंगे, और जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ए एन के और ए एम के क्या होंगी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस होंगी। देन ए एन के एंड ए एम के इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। तो यहां पर मैंने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस कुछ नहीं बताया, मैंने यहां पर ये बोला है कि जो आप ए एन के चूज करोगे, ए एम के चूज करोगे, वो दोनों सबसीक्वेंस होनी चाहिए ए एन की। ओके, और एन के और एम के, यहां दो चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूं, एन के का एक मैंने सेट बनाया ए, एम के का मैंने एक सेट बनाया बी। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो इसमें ऐसे जो कहने मतलब ऐसी टर्म होंगी, जब इनको यूनियन करते हैं तो मेरे पास सारा नेचुरल बनाना चाहिए, और इंटरसेक्शन करता हूं तो मेरे पास फाई आना चाहिए, इसका मतलब कोई भी टर्म इसमें सेम नहीं है। तो ए एन के और ए एम के को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिक्वेंस कहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर ए एन के की जगह मैं टू एन कर लूं, और एम के की जगह मैंने टू एन प्लस वन कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ए टू एन प्लस वन। अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां से समझिए अच्छे, इसको लिंक करिए। मैंने ये बोला ये एन के है, ये एम के है, तो एन के इसका मतलब क्या है, यहां पर ये टू एन हो गया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ओके, और यहां पर क्या हो गया, टू एन प्लस वन हो गया। इसकी टर्म कैसी आएंगी मेरे पास, 2, 4, 6, 8, इसकी टर्म मेरे पास कैसी आएंगी, 1 रखूंगा 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी। तो आप देखेंगे जब यूनियन करेंगे तो पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा मेरे पास। ओके, और फिर जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो एक ही एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होगा, तो 5 आएगा। तो यहां से मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड, तो यहां पर मैंने ऐसा दिखाया। तो आप समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस क्या होती है, कि दो सीक्वेंस होंगी जो अलग अलग, दो सबसीक्वेंस होंगी जो अलग अलग होंगी, एकदम उनकी टर्म अलग अलग होंगी, और जब उनका यूनियन करूंगा तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, और जब उनके बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो फाई आना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं यहां पर, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे पास, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, ए एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है, एंड ए टू एन कन्वर्स टू ए, ए टू एन प्लस वन कन्वर्स टू बी, ए थ्री एन कन्वर्स टू सी, और ये तीनों क्या है, सब सीक्वेंस है, ये तीनों क्या है, सब सीक्वेंस है ए एन के। भाई ए एन मैंने एक सीक्वेंस ली, ए टू एन कन्वर्स, ए टू एन सब सीक्वेंस है ए एन की, ए थ्री एन सब सीक्वेंस है ए एन की, ए टू एन प्लस वन सब सीक्वेंस है ए एन की, और ये सब कन्वर्ज कर रही है, ए टू एन ए पे कन्वर्ज कर रही है, ए टू एन प्लस वन बी पे कन्वर्ज कर रही है, ए थ्री एन सी पे कन्वर्ज कर रही है। तो ऑप्शन मुझे गिवन है ए एन इज कन्वर्जेंट, फिर बी ऑप्शन मुझे गिवन है ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए इज इक्वल टू सी, अगर ए इज इक्वल टू सी है तो क्या कन्वर्जेंट होगी। सी ऑप्शन है मेरे पास, ए एन नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, एंड डी ऑप्शन है मेरे पास, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। देखिए अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही हैं, अभी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे, आपको प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी। कहने का मतलब ये, अभी तो असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको, सब कुछ होगा, तो लगभग सब कुछ होगा, अभी तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, तो अभी ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है। तो हम सारे इसीलिए सारे पॉइंट में एक एक क्लियर करके चलता हूं, कुछ भी मैं फास्ट करके नहीं चलता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां क्वेश्चन मेरे पास क्या था, ए एन सीक्वेंस थी, ए टू एन सबसीक्वेंस थी ए एन की, ए टू एन प्लस वन सबसीक्वेंस थी ए एन की,
A3N subsequence थी, ओके तो ये तीनों आपस में, ये तीनों कन्वर्ज कर रही हैं, ये तीनों कन्वर्ज कर रही हैं। अब देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सोचेंगे कैसे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस होती है वो भी कन्वर्ज करती है, मैंने आपको बताया था पॉइंट। तो सबसीक्वेंस की जो कन्वर्ज करती है और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, अगर an मेरे पास a पे जा रहा है तो जितनी भी उसकी सबसीक्वेंस होंगी, an की जितनी भी सबसीक्वेंसेस होंगी वो भी कहां जाएंगी, a पर जाएंगी। तो बस वही फंडा यहां अप्लाई होगा, वही फंडा यहां पर अप्लाई होगा। तो देख सकते हैं आप जैसे कि ये a3n है, a3n 6 पे जा रहा है, सॉरी c पे जा रहा है, मेरे पास a3n c पे जा रहा है। अच्छा आप एक चीज बताइए, क्या a6n इसकी सबसीक्वेंस है, A6N इसकी सबसीक्वेंस होगी, या आप मान सकते हो A6N इज सबसीक्वेंस ऑफ A3N। कैसे होगी, देखिए इसमें टर्म कैसे आ रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे टर्म आ रहे हैं, इसमें कैसे टर्म आ रहे हैं मेरे पास 6, 12, 18, 24 ऐसे टर्म मेरे पास इसमें आ रहे हैं। तो आप देखेंगे इसी के तो टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, A3N अगर C पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, A6N भी C पर जाएगा। अच्छा भाई आपने सिक्सन क्यों डिफाइन किया, ये सिक्सन बोलने का मतलब क्या है, सिक्सन से यहां पर बोलने का मतलब ये है इससे लिंक कराना, सिक्सन बोलने का मतलब है इससे लिंक कराना, लिंक कराओ इस चीज में, इस चीज में ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले आपको तो लिंक कराने की सोचो आप, और कुछ मत करो कि ए सिक्सन सी पर जा रहा है मेरे पास। अब आप देखेंगे जो ए सिक्सन है ना भाई, इसकी भी सब सीक्वेंस है, ए सिक्सन जो है वो A2N की भी सब सीक्वेंस है। कैसे, A2N के टर्म कैसे आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो आप देखेंगे यहां पर 6, 12, 18 भी मिलेगा, 24 भी मिलेगा, तो भाई A2N की भी तो सब सीक्वेंस हो गई ना, इसकी सब सीक्वेंस हो गई, ये A पे जा रहे तो इसकी सब सीक्वेंस जितनी होगी वो भी A पर जाएगी, तो इसका मतलब ये भी A पर जाएगी। देखो यहां से पता चल रही सारी चीजें, इसका मतलब क्या है, एज को सी होगा, क्योंकि यहां से ये सी पर जा रही है, यहां से ए पर जा रही है, तो कभी भी एक भी सी, एक सीक्वेंस लाइक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होती है वो भी कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है, इसका मतलब क्या है, इसका सेम लिमिट होगा, लिमिट पॉइंट एक ही होगा उसका, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लाइक एक ही लिमिट पर कन्वर्ज करेगी। तो यहां पर लेकिन दो तो आ रहे हैं ना, सी पर भी जा रही है, ए पर भी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए इज इक्वल टू सी ही होगा, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। अभी पहले ये चीज पता चली आपको, ओके तो यहां से लिंक कराया आपने, अब इसको इससे कुछ लिंक करा दे हम लोग, तो ए थ्री एन है, ओके अब यहां पर मैं ऐसा कुछ कर लू लाइक ए थ्री टू दी पावर एन कर लू, ए थ्री टू दी पावर एन कर लू। देखिए लिंक बन कैसे रहा है, ये बन कैसे रहा है भाई, आप देखोगे प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से करोगे कि यहां थ्री एन है, कैसे आएंगे, थ्री के मल्टीपल में आएंगे सारे, उसमें सिक्स भी आ जाएगा, सिक्स भी आएगा, उसमें ट्वेल्व भी आ जाएगा, तो इस टाइप के हम लोग ऐसा मैंने बना लिया यहां पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने ऐसा बना लिया कि एक सबसीक्वेंस कर ली, क्रिएट कर ली कि इसकी भी सबसीक्वेंस होगी, इसकी भी सबसीक्वेंस होगी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमेशा सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और सेम लिमिट पर कन्वर्ज करती है, तो बस उससे ये मैंने अप्लाई किया, सी पर गई और ये ए पर कर रही है, तो इसका भी सबसीक्वेंस है तो ये भी ए पर गई, तो सबसीक्वेंस है तो हमेशा एक ही लिमिट होगी उसकी, तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा उसको, ए इसको सी हो गया, ओके। अब यहां पर मैं एक, अब क्या कर रहा हूं, इसको इससे लिंक कर रहा हूं, इसको इससे लिंक कर रहा हूं, तो भाई ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, यहां पर मैं हवा में कुछ नहीं लिख रहा हूं, सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होगी आपकी तो सब कुछ आप कर सकते हो। आप देखोगे A3N, अच्छा मैं A3 टू द पावर n कर लूं, इस सब सीक्वेंस ऑफ, ये आप बताइए ये है कि नहीं है सब सीक्वेंस ऑफ A3N, A3 टू द पावर n जो है वो A3N की सब सीक्वेंस है। कैसे, इसके टर्म होंगे जो 3, 6, 9, 12, 18 कहने मतलब ये मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, इसके कैसे होंगे 3, 9 फिर 27, आप देखेंगे 3, 9 यहां पर 27 भी आएगा, तो ये सब सीक्वेंस हो गई इसकी, ये तो आप मान गए, तो ये इसकी सब सीक्वेंस हो गई। अब इसको भी गौर से देखिए आप, A2N+1 है, इसमें कैसे कैसे टर्म आएंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और ऐसे चलते चलाओगे 27 भी आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसकी सब सीक्वेंस हो गई। समझ में आ रही है बातें आपको, ये जो है इसकी भी सब सीक्वेंस हो गई, ये इसकी पहले पहले मैंने यहां पर ये दिखाया कि ये इसकी सब सीक्वेंस है, ये कहां पर कन्वर्ज कर रही है, ये सी पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सी पर कन्वर्ज करेगी, ये भी सी पर कन्वर्ज करेगी, और यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, ये बी पर कन्वर्ज कर रही है, तो ये इसकी सब सीक्वेंस है, तो ये भी बी पर ही कन्वर्ज करेगी,
तो भाई अगर नई चीज समझ आ रही फिर से बैक करिए, फिर से जो चीजें मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ वो चीजें देखिए, उस चीज को अच्छे से देखिए पहले उस चीज को, तो ये भी बी पर कन्वर्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक सब सीक्वेंस दो पर कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट ही होती है और सेम लिमिट पर कन्वर्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो वहां से मैंने क्या इंप्लाई किया था, ए इज इक्वल टू सी, यहां से बी इज इक्वल टू सी, तो यहां से इंप्लाई क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इंप्लाई हो गया फ्रेंड। तो यहां से क्या हो गया, ए इसको बी इसको सी हो गया, ओके ए इसको बी इसको सी हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब आप देखिए ये ए टू एन है, ये ए टू एन प्लस वन है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है। और कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है, अगर ये ए पर जा रही है ए टू एन प्लस वन बी पे जा रही है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई। मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको इसको प्रूफ दिया था कि अगर मेरे पास ये a टू n a पर जा रही है, a टू n प्लस 1 b पर जा रही है, दोनों इक्वल हो गई और यहां से दिखा रहे हैं a इसको तो b है, तो an कन्वर्जेंट हो गई। इसका मतलब क्या है कि an कन्वर्जेंट होगी, यहां से पता चल रहा है। तो देखिए कैसे हम लोगों ने खेल खेला है यहां पर, an कन्वर्जेंट होगी, an इज कन्वर्जेंट इफ a इसको तो c। हां बिल्कुल सही बात है, अगर ये a इसको तो c होगा मेरे पास तो ये कन्वर्जेंट ही तो होगी, क्योंकि लास्ट में b इसको तो c आ जा रहा है मेरे पास, तो ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है an नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, एन नीड नॉट बी फॉल्स हो गया यहां से। तो बस यहां से मुझे यही बताना था फ्रेंड कि अगर मेरे पास देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होना पड़ेगा इफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब जैसे ये देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस हैं, तो ये ए पर जा रही है, ये बी पर जा रही है, अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहां पर ये ऑप्शन थे और ये क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया था, बस सब सीक्वेंस से डिफाइन किया था कि सबसे पहले ए थ्री एन लिया, ए थ्री एन की सब सीक्वेंस ए सिक्स एन बनाई, ए थ्री एन मेरे पास सी पर जा रहा है तो ए सिक्स एन भी सी पर जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ए सिक्स एन सी पर जाएगा और ए सिक्स एन ए टू एन की भी सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस अगर ए पर जा रही है तो ए सिक्स एन भी ए पर जाएगा, ये भी बात क्लियर है एकदम। तो वो भी ए पर जाएगा और सी पर भी जा रहा है तो ए इसको सी होना पड़ेगा, पहले जीजी हो गई। फिर इसी तरह मैंने सब सीक्वेंस ए थ्री एन ए थ्री टू द पावर एन डिफाइन किया, वो इसकी सब सीक्वेंस है, ये सी पर जा रहा है ये भी सी पर जाना पड़ेगा, सी पर जाना पड़ेगा। और इसी तरह फिर आप यहां देखेंगे ये बी पर जा रहा है, इसकी भी सब सीक्वेंस है, ये बी पर जा रहा है तो ये भी बी पर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, ये दो पर तो जा नहीं सकती क्योंकि कन्वर्जेंट है, तो बी इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया। तो यहां से सारे मेरे ऑप्शन यहां से क्लियर कर दिए, ओके। तो यहां पर आज के लिए लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स।